हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और गेम के अंदर आ गई है वापस से M10 की एक न्यू स्क्रीन एक नए रंग रूप के साथ, लेकिन इस बार रूप कुछ ज्यादा ही अलग हो गया है इसका। सबसे पहले चलते हैं लक रॉयल में और यहीं पे हमको वो दिख जानी चाहिए। आजा भाई, मुंह के सामने हाजिर हो जा। ये देखो भाई, शिबा एक पेट है और उसी की एक नई स्किन आ गई है। बट देखो भाई, इस बार M1014 पूरी उस पेट की तरह ही दिखती है। कुछ किसी भी एंगल से कोई बता नहीं सकता कि ये M1014 है। भगवान, मतलब पूरे पेट को यहाँ पर उठा के रख दिया है और मेरे ख्याल से इसके मुंह से कोई गोली छोड़ेगा। देखते हैं इसके प्राइजेस और क्या क्या है। ये एक इसका इमोट है, शिबा सर्फ। ओके, पूंछ पकड़ के भाई क्या ही बना रखा है। और ये आया है ऑफकोर्स इसमें एक बंडल जो काफ़ी सिंपल है। और ये ऑटो की स्किन है। ऑल आर गाइस, मेन आज हमको ये स्किन निकालनी है जो पूरा पेट दिख रहा है। यार ये ऐसी स्किन क्यों बना दी, मैं नहीं बताऊंगा। चलो गाइस, देखते हैं कि इसकी पावर कैसी है। वैसे दिखाते इन्होंने यहाँ पे डबल डैमेज है और एक्यूरेसी कम दिखाई है। इसका मतलब शॉर्ट रेंज में दमदार तो हो सकती है, बट वो तो खेलने के बाद ही पता चलेगा। बट उससे पहले हमको ये स्किन भी निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पे कोई फिस्ट वाली एक इवेंट भी आया शायद आज। एक फिस्ट की स्किन ये है और एक ये है, पर ये स्किन मस्त लग रही है यार मुझको इसकी। मेरे ख्याल से अभी भी साइथ की कोई स्किन है ही नहीं, तो गाइज इसको निकाल लेता हूँ मैं। तो चलो गाइज, फटाफट से स्पिन करते हैं। हमको एम पासो की स्किन चाहिए और एक है साइथ की स्किन। स्पिन करना शुरू करते हैं। आई थिंक लास्ट स्पिन पे हमको मिलने वाली है। एम पासो तो मिल गया, हमको बस साइथ की स्किन चाहिए। लास्ट में मिलेगी देखना, क्योंकि सबसे पहले वही सेलेक्ट किया है ना मैंने। उनको पता है भाई मुझे वही चाहिए, इसीलिए मैं स्पिन कर रहा हूँ। और ये रहा 499 का आखिरी स्पिन। चलो गाइस, अब निकालते हैं डॉग वाली M1014 की स्किन। 400 का स्पिन करते हैं सीधे, क्योंकि भाई इतनी आसानी से नहीं मिलेगी ये, साफ सी बात है। लक अभी चल रहा है बिल्कुल 1। 2 स्पिन मैंने कर दिया गाइस, देखते हैं कितना डैमेज लगने वाला है। 3, 4, चौथे स्किन में निकल गई क्या? नहीं, बंडल। वही मैं सोचू इतनी जल्दी कैसे दे दी इन्होंने। एक और स्पिन करते हैं गाइस, अभी कुछ नहीं मिला। ये मेरा है छठा स्पिन और बंडल रिपीट तो नहीं आ गया। ये देखो, ऐसी ही होता है गाइस, इसलिए अब तो मैं एक्साइटमेंट होना छोड़ दिया है। लो भाई, हर स्पिन पे यहाँ पे बंडल निकल रहा है। ये इसके बूट्स निकल गए हैं, खरगोश वाले जूते। तो स्पिन करते हैं गाइस। अब हमको स्पिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितना ही स्पिन कर लूँ ये स्किन तो मिलने से रही। इसलिए पहले हम इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ टोकन्स मिले हैं वहाँ से, हमको आसानी से मिल सकता है। ये रही पपी टोकन्स, सिर्फ 40 पपी टोकन्स पे हमको ही मिल जा रही है, बताओ। और हम स्पिन पे स्पिन करे जा रहे थे। ओके, तो इसको भी इक्विप कर लेंगे और ये इमोट को भी निकाल लेते हैं 20 टोकन का। अभी भी मेरे पास 25 टोकन्स बचे हुए हैं, यानी कि मैं स्किन पर निकाल सकता हूँ, बट मैं निकालूंगा नहीं। मैं इससे ज़्यादा ऑटो में निकालना पसंद करूँगा, क्योंकि ग्लू वॉल की स्किन्स ऑलरेडी बहुत सारी है हमारे पास। तो चलो गाइस, अब जल्दी से इसको क्लेम कर लेते हैं। वेपन में चलते हैं और शॉटगन के अंदर हमको मिल जाएगी। वैसे सबसे बेस्ट तो गाइस ये वाली स्किन है, सबसे ज़्यादा घातक, क्योंकि उसका फायर रेट बहुत मस्त है। शॉर्ट रेंज में भले डैमेज होना हो, इतनी जल्दी इसमें 5 की 5 गोलियाँ निकल जाती है, सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता है बचने का। फिर उसके बाद आई थी एक न्यू ईवो वाली M10, जो कि उतनी खास लगी नहीं मेरे को। इससे ज़्यादा तो मुझे अच्छी यही पसंद आएगी शायद आज, लेकिन ये तो खैर आज खेलने के बाद ही पता चलेगा। और ये हमारी M500 की स्किन और ये हमारी साइथ वाली स्किन। तो चलो गाइस, हाथ में कुत्ता पकड़ के आ गए हैं एक घातक गेम प्ले करने के लिए। पहले ना ट्रेनिंग ग्राउंड में चलकर टेस्ट करता हूँ यार इसको, उसके बाद एक क्लैश स्क्वाड गेम प्ले करेंगे मस्त वाला। ओके, शॉटगन गाइस खरीद लिया है और देखो पीछे दो शॉटगन कैसी। अरे ये क्या था, आप लोगों ने सुना शॉटगन की? मैं जैसे ही गोली मार रहा हूँ गोली की आवाज नहीं आ रही है, कुत्ते की आवाज आ रही है। ये देखो, वाह क्या ही बना डाला है, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। ऐसा लग नहीं रहा कि हम शॉटगन चला रहे हैं। वैसे सामने वाला प्लेयर जब इससे मरेगा ना, तो भी कहेगा यार क्या कुत्ते के हाथों मर गया। चलो गाइस, पुतले को अभी नहीं मारते हैं, अभी थोड़ा गेम के अंदर इसको टेस्ट करते हैं और इसके बाद करेंगे एक बढ़िया सा गेम प्ले। पहले यहाँ पे लाश बिछी हुई है, कहाँ है भाई, सबको सब मरे क्यों है, कौन आ गया इतना खतरनाक प्लेयर लॉबी में। वाह भाई,
क्या ये आवाज आ रही है यार, हंसी अलग आ रही है। माय गॉड भाई साहब यार, क्या ही बना दिया है ये तो। क्या ये आवाज आ रही है गाइस, देखो ऐसा लग रहा है दर्द सामने वाले को नहीं मेरे को हो रहा है, मेरी शॉटगन को। अरे यार छोड़ो गाइस इसको, अब इसको गेम में चलकर यूज करते हैं। ओके तो गाइस आ गए हम लोग M1014 चलाने लोन वुल्फ के अंदर। क्या बात, ये बात है, पर अभी हमारे पास चांस नहीं है शॉटगन खरीदने का। सामने वाला भी सीधे डबल बैरल खरीदता है। ओके तो यही चलानी पड़ेगी अब। जब तक मुझे लगता है मेरी बारी नहीं आएगी तब तक हम लोग वो पपी वाली स्किन नहीं चला सकते हैं। ओके और खत्म भाई, किस्सा खत्म। ओके यहाँ भाग रहा है, इसको आने दो, ज्यादा हीरो बनना है अभी। इसको पता नहीं आज मैं कौन सी स्किन लेके आया हूँ अपने पास, उसी से मारूंगा इसको। और सीधे वन शॉट, पहली गाइस जिसने हाथ खड़े कर दिए थे। अब देखते हैं किसके बारी आएगी इस बार खरीदने की। ओके इस बार भी हमको सेम वेपन से ही खेलना पड़ेगा, कोई बात नहीं गाइस लेट्स गो, ऐसे ही खेल लेंगे। एक को सामने बंदा आया, उस साइड से भाग रहा है और सीधे वन शॉट यार, क्या बात है। अरे अपना टीममेट भी क्या, पक्का यहाँ पे छिपा होगा। ओए गोली क्यों नहीं लगी इसको, इतना प्यारा हेडशॉट मारा था मेरे। ये देखो एक और हेड, लेकिन मरा नहीं। अरे यार वन शॉट के चक्कर में ये राउंड निकल गया। और भाई 200 HP है इसकी, तो पूरा रेड नंबर वाला हेडशॉट मारा था यार। ऊपर से पिंग भी इतना मस्त चल रहा है, देखो ऊपर 15-14 पिंग चल रहा है भाई साहब, बाप रे कोई जवाब ही नहीं है। हाँ इस बार गाइस हम M1014 चलाने वाले हैं, M1014 लेना ठीक है, M1014 बहुत बढ़िया। अपने टीममेट को गाइस मैंने बोल दिया कि M1014 ले लो, और दो दो M1014 ले लिया इस बार। नहीं 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 नहीं, ब्लाइंड करने की पूरी कोशिश, लेकिन यार लॉन्ग रेंज में हम कुछ नहीं कर सकते इस बंदूक से, बस आवाज ही निकाल सकते हैं कुत्ते की। वाह भाई क्या रिवेंज दिया है हेडशॉट मार के, पर पहले मैं हील कर लेता हूँ और रिलोड भी, क्योंकि इसका फायर रेट पता नहीं क्यों मुझे कम लग रहा है यार। ये भी कह रहा होगा कौन सी बंदूक लेके आ गया है, लेकिन हेडशॉट तो कैसा है, हेडशॉट तो मस्त लग रहा है यार। यार ये बंदूक का साउंड कैसा लग रहा है, बताओ यार। सामने वाला भी क्या कह रहा होगा ना, शॉटगन से नहीं मार रहा है यार, कुत्ता लेके आया है, कुत्ते से मार रहा है। अरे यार चिपक जा रहा है इसे तो। सीधे हेड भाई, हेड तो लग रहा है इसमें, ऐसी बात नहीं है। वाह यार क्या कनेक्ट हो रही है गोलियां, गुड जॉब। और आवाज देखो कैसी आ रही है, पैं पैं। यार क्या ही बंदूक बना डाली है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी फ्री फायर में ऐसी बंदूक आएगी। इस बार तो खैर हम शॉटगन नहीं चला सकते, दो राउंड हमको मिले थे और दोनों ही राउंड में हमने जलवा बिखेरा है। इस बार डेजर्ट ईगल लिया भाई सामने वाले ने, कह रहा कि आजा वन शॉट में तेरे को बताता हूँ। कोई बात नहीं भाई तो कोशिश कर ले, हम भी शॉटगन से ही जवाब देंगे हमारी बारी जब आएगी। अरे 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 ले भाई शॉट, इसकी डेजर्ट ईगल से ही इसको मार दिया। अरे ये तो अपने टीममेट है यार, अरे मार दिया भाई इसने। अरे दादा रे, और खेल खत्म भाई, हील नहीं करते हम तो डायरेक्ट मारते हैं। 17 पिंग चल रहा है गाइस, गेम तो जीतना ही पड़ेगा एक तरफा। इस बार किसकी बारी है, ओके अगर गाइस इस वाले राउंड में हम लोग जीत जाते हैं, मेरी बारी तो नहीं आएगी बट हम गेम प्ले जरूर जीत जाएंगे। 14 पिंग चल रहा है यार, एक्साइटमेंट लेवल एकदम नेक्स्ट। इस पर भी डेजर्ट ईगल से खेलना पड़ेगा।
अजा भाग गया यार, उसको मैंने हेडशॉट मारा ना पिछले गेम में, तो वो ज़्यादा पंगा भी नहीं ले रहा है मुझसे, मेरे टीममेट के पास गया है। भाई रिलोड नहीं। ओके भाई एक गोली का मेहमान हूँ और खत्म। वैसे वो भी 1 HP रह गया था, कोई बात नहीं गाइस, अब मेरे ख्याल से मेरी बारी आ जानी चाहिए। ये हुई ना बात, लेकिन हम M10 नहीं चला सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज़ कर दिया है, तो हम लोग इस बार यूज़ करने वाले हैं UMP एंड AWM ऑफ कोर्स। यूज़ भी ले लेता हूँ शॉर्ट रेंज के लिए, लेट्स गो गाइस, AWM से मज़ा चखाएंगे इन लोगों को। पक्का यहाँ से आएगा एक बंदा, भाई भाग ले भाग ले भाग ले, डैमेज पड़ गया है। भाई मरा मरा काय क्यों नहीं, मैंने AWM का शॉट मारा था लेकिन अपने टीममेट ने जलवा दिखा दिया है, क्या बात है गाइस, मजा आ गया। 9 किल्स के साथ शानदार गेम प्ले M1014 से भी। आप लोगों को गाइस ये वाली M1014 कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।